हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मेरिगोल्ड इंग्लिश यूनिट 7 अ गाइड। प्रीवियस वीडियो कंप्लीटेड पेज नंबर 116 115 एंड यर द वीडियो पेज नंबर 116 स्टार्ट। तो आज हम पेज नंबर 116 से स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7 में और क्लास फर्स्ट आपकी मेरीगोल्ड वर्कबुक में। तो नाउ लेट स्टार्ट पेज नंबर 116। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टू नेम्स दिए होंगे और इसमें से एक पिक्चर दिया होगा। इस पिक्चर का आपको क्या करना है, साउंड देखना है। इस पिक्चर में जो भी थिंग्स आपको बताए उस तरह से आपको राउंड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, चिक चिक खा रहा है। तो हम क्या, जब हम चिक खाते हैं तो किसका आवाज़ आता है, अचूक अचूक आता है ना, इस तरह का। तो इस पर हम करेंगे सर्कल। फिर है रेलगाड़ी। तो ट्रेन में क्या होता है, वॉइस साउंड कैसा आता है, छुक 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 आता है ना, वो बू 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 आता है, छुक 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 आता है। तो हम यहाँ पर कर देंगे सर्कल। फिर यहाँ पे एक बॉय है, वो क्लिक क्लॉक और सेकंड हा हा दिया है। तो वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो हम जब हंसते हैं तो कैसा आवाज आता है, हा 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 हा, इस तरह का वॉइस आता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे सर्कल। फिर है यहाँ पे एक डोर और एक वो लड़का है, वो उसको बजा रहा है। तो इसमें आएगा बैंग बैंग, टिकटॉक आवाज़ नहीं आता है, बैंग बैंग आता है, बड़े तेज से दरवाजे को फटखटाना। फिर है यहाँ पे एक हॉर्स और एक यहाँ पे उस पर एक बैठा है मैन, तो उसका आवाज़ आता है। अब जब हॉर्स होता है उसमें जो उसके आगे रस्सी होती है उसको हम पकड़ कर बैठते हैं, तो उसको कहते हैं क्लिप क्लॉप, क्या बोलते हैं, क्लिप क्लॉप क्लिप। फिर यहाँ पे एक लड़की है, वो उसने एक थंड और एक बू, दोनों आपको यहाँ पे दिए हैं वर्ड्स। तो इसमें से आएगा बू, जब हम क्या होते हैं कुछ हमारे से गलत काम हो जाता है तो हम किस तरह से, इस तरह से करते, ओ भू गया मेरे से तो है, मुझे नहीं करना था फिर भी, तो इसमें आएगा बू। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट बूम एंड पीऊ, बूम पीऊ, इसमें आएगा पीऊ पर सर्कल। क्यों आएगा, जब आप बड़े बड़े दौड़ के आते हैं और फिर शांत अचानक से भाप जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम पीयू। फिर है जूम, जूम का मतलब होता है जो हेलीकॉप्टर होता है वो किस तरह से फटाफट से जाता होता है ना, बड़े हवा की लहरों में से जाता होता है, तो इसी तरह से उसकी गाड़ी भी इस तरह से जाती है, तो उसका साउंड आता है बू जूम। फिर है डॉग, तो डॉग का साउंड है वूफ। फिर एक लड़की है, वो क्या कर रही है, बैठी है और उसका आवाज़ आता है डिंग डोंग या बूहू, तो क्या बूहू आएगा, मतलब कि वो कुछ दो आवाज़ आए एक साथ, दो दो आवाज़ आए कि मतलब वो सोच रही है कि मैं क्या करूँ, कि इस तरह का उस साउंड को हम कहते हैं बूहू। फिर थंड और जूम, तो एक पेड़ में से वो लड़का फिसल गया, तो थंड का मतलब होता है फिसल जाना। फिर डिंग डोंग एंड टिक टॉक, तो इसमें आएगा डिंग डोंग, घंट में से एक बार आप क्या घंटी बजाते हैं तो फिर उसका साउंड एक बार और आता है, तो उसको कहते हैं डिंग डोंग आवाज़। फिर घड़ी है, तो उसका छू 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 या टिक टॉक, तो उसका साउंड आता है टिक टॉक, कैसा आता है, टिक टॉक टिक टॉक। फिर फटाका, फ्लिकर्स का आता है बूम बूम बूम, आता है ना इस तरह का, हाँ। फिर है एक बॉय और एक गर्ल, वो क्या कर रहे हैं, बारिश में जो पानी होता है उसमें क्या कर रहे हैं, कूद के मार रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, तो इसमें आएगा पिटर पैटर। पिटर पैटर का मतलब जो बारिश में से जो बूंदे आती है फिर उसमें आप जो पैर अपने एकदम इस तरह से हिलाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, उसको कहते हैं पिटर पैटर। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज तक देखते हैं, पेज नंबर 117 पर। तो यहाँ पे आपको पहले हम देख लेते हैं उसकी हेडिंग। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हैं और आपको यहाँ पे पिक्चर पहचान कर उस वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टार, तो यहाँ पे स्टार आपको लिख कर दिया है तो हम लिख देंगे स्टार। फिर है डोर, तो डोर का भी वर्ड्स यहाँ पे लिख कर दिया है। फिर है ड्रम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रम। फिर नेक्स्ट वन है
तेज हवा आ रही है, तो हवा को हम क्या बोलते हैं, वाइंड। वाइंड यहाँ पे हम लिखेंगे वाइंड, WIND वाइंड। फिर डक, DUCK डक। फिर है कौन सा वाला पिक्चर है, केक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे केक, CAKE केक। फिर है बेल, तो यहाँ पे BELL बेल लिखेंगे। फिर सॉल्ट, SHIRT सॉल्ट। फिर स्पून, SPOON स्पून। फिर शूज, SHOES शूज। हॉर्स, HORACE हॉर्स। फिर है ग्रास, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रास। तो सभी पिक्चर्स के आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, ओनली फॉर आपको एक पिक्चर पहचान कर उस वर्ड को यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, राइट डाउन करना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पेज नंबर 119। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उस लाइन के डॉट ज्वाइन करने हैं। लुक एट ड्रॉ, पेज नंबर है 118 एंड 119 ऊपर आपको ये दी है एक्सरसाइज। ये आपको होमवर्क में करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से आपको पहले लाइन ज्वाइंट करनी है। ओके, इस तरह से आपको लाइन सभी ज्वाइंट कर देनी है। फिर कितनी बार ज़िगज़ैग लाइन बनानी है, तो कि 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से आप बनाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4 इसके नीचे से ही स्टार्ट करना है बनाने को। ओके, तो चलो इस तरह से आपको लाइन बना लेनी है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे लाइन। तो यहाँ पे आपको एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग लाइन 3, स्लीपिंग लाइन 3, 1, 2 एंड 3। तो इसी तरह से ये भी आपको करना होगी होमवर्क में। ओके, एकदम इजी है, आपको इस आती ही है। हम हिंदी में हम करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स देखकर करते हैं हम, इसी तरह से इसमें भी आपको लाइन करनी है। ओके, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट दी है, पहले लाइन ज्वाइंट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाती हूँ, इसीलिए ये आपको होमवर्क में करना होगा। इसमें क्या करना है, उल्टा सी इस तरह से कितने टाइम्स करना है, 4 टाइम्स, तो आपका ए कव हो जाएगा। कितनी बार करोगे आप, 4th टाइम्स, कितनी बार, 4 टाइम्स, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट पेज में भी आपको इस तरह से लाइन यहाँ पे 2 टाइम्स करनी है। देखो यहाँ आपको ब्लैंक्स दिया है पेज, तो यहाँ पे भी आपको कर लेनी है। फिर यहाँ पे करना है हमें इस तरह का सी, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसी तरह से कंप्लीट करना होगा आपको यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4th, 4th टाइम सभी में करनी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह की साइड लाइन दी है, तो पहले हम इसको ज्वाइंट कर देंगे 3-3 टाइम से दोनों साइड। ओके, फिर यहाँ पे इस तरह से करेंगे 1, 2 एंड 3, फिर यहाँ पे 1, 2 एंड 3, फिर यहाँ पे करेंगे 1, 2 एंड 3, फिर यहाँ से करेंगे 1, 2 एंड 3। ओके, तो आपको भी इस तरह से करते जाना है अपनी बुक पे लाइन, 1, 2 एंड 3, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप 1, 2 एंड 3। तो इसी तरह से आपको होमवर्क में करना होगा एक क्वेश्चन पेज नंबर 118 एंड पेज नंबर 119 में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे यूनिट का, पेज नंबर 121, रीड एंड ट्रेस द कैपिटल लेटर। ये आपका आपको A to Z तक
कैपिटल लेटर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इस सबको ज्वाइंट करना है, इस तरह से डॉट को ज्वाइंट कर देना है, ए फिर बी, ओके, इस तरह से सी। तो चलो आपको होमवर्क में करना है, मैं आपको एक बार सब एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो चलो हम थोड़ी फास्ट से बोलते हैं, तेज आवाज से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो आपको भी इस तरह से ए बी सी डी से हमारे ए बी सी डी हमने बोल ली। तो आपको क्या करना है, एक बार ए बी सी डी बोलना है और ग्रुप में भेजना है। ओके, थैंक यू सो मच।